रक्तदान महाकल्याण जय माता दी सोशल एंड स्पोर्ट्स क्लब द्वारा हांसी के जय भारत मंडल धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में महिला व युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस कैंप को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं क्लब के प्रधान मोहन लाल ने बताया कि जय माता दी सोशल एंड स्पोर्ट्स क्लब का ये छठा रक्तदान शिविर है। रक्तदान कैंपों का आयोजन पिछले कई सालों से उनका क्लब कर रहा है और पूरे देश में इन कैंपों का आयोजन कर जरूरतमंद लोगों की सेवा की जाती रही है, क्योंकि रक्तदान की जरूरत आज पूरे हिंदुस्तान में है। तो इस कैंप में हांसी के युवा वर्ग, भले ही महिलाएं हों या पुरुष, रक्तदान करने का भारी उत्साह देखने को मिला। इस कैंप में लगभग 100 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया। ब्लड डोनेट करने वाले युवाओं संस्था की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जो देश की रक्षा के लिए सैनिक जो हमारी सरहद पे देश की रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम आज यहाँ सुरक्षित अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसी के लिए उनके कदमों में सिर्फ कुछ करने की मंशा के तहत ये हमारी जो सोसाइटी है उन्हीं के लिए ये दान करती है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है। और इसके लिए आगे भी हमें अगर सामाजिक लेवल से भी अगर किसी भी भाई को कोई ज़रूरत हो तो हम खुला कहते हैं कि किसी को जब भी ज़रूरत हो, हमारे नंबर पब्लिकली इशू हैं पब्लिक के बीच में, जब भी किसी को ज़रूरत हो, ज़रूरतमंद गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, किसी को भी ब्लड की ज़रूरत हो, तो हम चाहते हैं कि बगैर ब्लड के कोई भी मेरा देशवासी इस दुनिया से ना जाए। उसको एक की ज़रूरत है, हम दो ब्लड की यूनिट उसको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। यही हमारी मंशा और चेष्टा है। आज का टारगेट हमारा करीब 100 यूनिट का है, क्योंकि ऑफ सीजन का है और ये हमारे पास डिमांड आई है खुद हॉस्पिटल की तरफ से कि अभी उनके पास ब्लड की बहुत शॉर्टेज हो चुकी है, इस वजह से उन्होंने डिमांड की थी। और उनके डिमांड से ही हमने बिल्कुल छोटे से एक 4-5 दिन के ड्यूरेशन के तहत ही सारी तैयारियां करके और ये कैंप ऑर्गेनाइज किया। हमारा एक टारगेट होगा कि हम कम से कम 100 यूनिट इकट्ठा कर दें। हांसी से केशव दमीजा। You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications.